हम इस समय मांडव ऋषि की तपोस्थली ताल वृक्ष में इस समय मौजूद है। जहां मैं खड़ा हुआ हूँ आप यहां देख सकते हैं, मेरे पीछे एक स्नान कुंड है जहां पर युवा स्नान कर रहे हैं। मैं इन युवाओं से बात करूं, उससे पहले मैं यहां की जो कुंड की जो विशेषता है वो मैं आपको बता दूं। ये जो कुंड है ये गर्म कुंड है, गर्म पानी का कुंड है। यहां पर चरम रोग के जो रोगी हैं वो या इसमें आते हैं और चरम रोग भी इस गर्म पानी से ठीक हो जाता है। सबसे बड़ी जो मुख्य जो बात है वो यह है कि ये जो कुंड था, स्नान कुंड था, वो पहले इसका जो पानी था वो ठंडा हो चुका था, लेकिन फिर वापस ये गर्म पानी इसमें आने लग गया है। हम इन युवाओं से बात करना चाहेंगे। पौष का महीना इस समय चल रहा है, पौष के महीने में भी युवा इस गर्म कुंड में स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस कुंड की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो यह है कि चांदी का अगर आभूषण आप पहन कर आते हैं और इसमें नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो चांदी की जो गहने हैं या जो भी है चैन वगैरह है वो काली पड़ जाती है। ये इस कुंड की विशेषताएं हैं। हम इन युवाओं से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रोबिन गुजर। रोबिन, कहाँ से आए हुए हैं आप? कोटपुतली से। आपको कैसे मालूम चला कि तालवृक्ष में भी गर्म कुंड का पानी है? भैया हमारे आसपास के क्षेत्र में पड़ता है, एसिरिस का डिवीजन का भाग है, इसलिए हम एसिरिस का आए थे घूमने, तो यहाँ पर नहाने आ गए। यहाँ जो आए हैं स्पेशल स्नान करने के लिए आए हैं और कुछ या जैसे यहाँ आए हैं? स्नान करने, यहाँ महादेव का मंदिर है, इसका दर्शन करने आए हैं। तो आप देख सकते हैं गर्म पानी, पहले एक बार बीच में ठंडा हो गया था इसका पानी था, वो अब वापस गर्म हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में? अब गर्म हो गया, पहले और भी ज्यादा गर्म था, बीच में ठंडा हुआ था, फिर से गर्म हो गया। क्या मानते हैं इसका जैसे ठंडा वगैरह होने का? नेचुरल है, प्रकृति से ऊपर से पहाड़ों में से आता है ये पानी। और भी युवा है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे हम। क्या नाम है आपका? दारा सिंह खटाना। दारा सिंह जी कहाँ से आए आप? मैं कोटपुतली से। सभी जो युवा है वो सभी कोटपुतली से आए हुए हैं? हाँ, कोटपुतली से। कोई कहाँ से होगा, आसपास क्षेत्रों के। ये इस कुंड की विशेषताएं क्या हैं आपको अगर मालूम है तो? मालूम ये है कि ये बीच में ठंडा भी हो गया था पहले और ज्यादा गर्म था, फिलहाल मीडियम है, अभी भी गर्म है। तो आप देख सकते हैं युवा इस समय गर्म पानी के कुंड का आनंद इस समय उठा रहे हैं। सर्दी का पोष महा इस समय चल रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। बाबा आप यहाँ स्नान करने के लिए आए, कितने समय से आप यहाँ आ रहे हैं इस कुंड पर? हम तो बहुत बहुत से आ रहे हैं भाई। अपन अगर बात करें इस कुंड के बारे में तो क्या विशेषता है इस गर्म पानी के कुंड की? गर्म पानी ये जो फुंसी फोड़ा है ना, सब मिट जाते हैं। फुंसी जो भी होती है ना शरीर में, जो सब मिट जाते हैं। ऐसा माना जाता है गंधक का शायद पानी है, गंधक इसमें पहाड़ों से जो आ रहा है वो पानी है। गंधक का पानी है, गंधक का पानी। तो आप देख सकते हैं इस समय सर्दी के मौसम में आपको अगर सर्दी लग रही है तो आप इस गर्म कुंड में स्नान करने के लिए आ सकते हैं और मांडव ऋषि की तपोस्थली तालवृक्ष का यहाँ आनंद आप उठा सकते हैं। कैमरामैन मुरारीलाल मीणा के साथ बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।